उत्तर प्रदेश. इनफैक्ट सोर्सेस सजेस्टिंग दैट इन उत्तर प्रदेश द कांग्रेस पार्टी हैज एज ऑफ नाउ फाइनलाइज 9 कैंडिडेट्स आउट ऑफ द 17 सीट्स दैट इट हैज बीन प्रॉमिस्ड इन द अलायंस एंड इट इज लाइकली दैट अजय राय कुड कंटेस्ट फ्रॉम वाराणसी. रिमेंबर ही हैड कंटेस्टेड प्रीवियसली एज वेल एंड इंटरेस्टिंगली द कांग्रेस पार्टी हैज ऑल्सो हैड सम ऑप्शंस इन इट्स डिसीजंस ऑन अमेठी एज वेल एज रायबरेली. सोर्सेस सेइंग that perhaps Rahul Gandhi or Sonia Gandhi, I beg your pardon, Priyanka Gandhi Vadra could be contesting from Amethi or Raibareli. If not, there are some backup options as well that have been put in place. My colleague Manish is joining us on the broadcast with the details. Manish, kya jankari de sakte hain aap abhi jo discussion ho raha hai Congress party mein within UP, how is it likely to go? देखिए अभी लगभग 9 सीटों पर उम्मीदवार तय किए गए हैं जो कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में जाएंगे और वहां से मंजूरी मिलने के बाद सूची जारी कर दी जाएगी. इमरान मसूद सहारनपुर से प्रत्याशी हो सकते हैं, अजय राय वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं, दानिश अली का नाम तय माना जा रहा है कि वो अमरोहा से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे. और सबसे जो निगाहें टिकी हुई है वो अमेठी और रायबरेली इस बार कौन चुनाव लड़ेगा. रायबरेली से माना यह जा रहा है कि प्रियंका गांधी भी अपनी सियासी किस्मत आजमा सकती है और वहां से उम्मीदवार हो सकती है. इसके अलावा जो जानकारी मिल पाई है अमेठी से, चूंकि राहुल गांधी अगर चुनाव नहीं लड़ते तो वहां किसी पिछड़े वर्ग के युवा नेता को मौका दिया जा सकता है तो उसकी बातचीत चल रही है. लेकिन एक संभावना ये भी हो सकती है कि अमेठी से वरुण गांधी को टिकट दिया जाए या फिर वो निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़े और समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस उन्हें सपोर्ट करें. तो ऐसी सियासी चर्चाएं भी हैं और इस स्तर पर वरुण गांधी की कांग्रेस आला कमान और समाजवादी पार्टी के नेताओं से बातचीत हुई है. तो एक संभावना वो भी हो सकती है कि गांधी परिवार की नुमाइंदगी करते हैं वरुण गांधी और उन्हें अमेठी से चुनाव लड़ाया जा सकता है. लेकिन अभी जो प्राइमरी तौर पर 9 जो सीटें हैं वो पहले दौर में घोषित की जाएंगी ताकि प्रत्याशी को चुनाव लड़ने का जो समय है वो मिल सके. अजय राय वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे. पिछली दफा जब वो लड़े थे तो लगभग 14.44% वोट उन्होंने हासिल किए थे. इमरान मसूद तीसरे नंबर पर रहे थे. तो ऐसे में कांग्रेस की कोशिश ये है कि समाजवादी पार्टी के सहयोग से अगर वो चुनावी मैदान में है तो जीत के मार्जिन को कैसे बढ़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कामयाबी. हालांकि सियासी वजूद कितना है वो किसी से छिपा नहीं है. समाजवादी पार्टी